और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना के दौरे पर रहेंगे। आज मुरैना का दौरा और सुमावली में कार्यकर्ता सम्मेलन को सीएम पूर्व मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सेक्टर मंडलम बूथ स्तर के पदाधिकारियों से संवाद किया जाएगा। तो मुरैना के दौरे पर रहेंगे, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में तो प्रचार प्रसार होगा ही, इसके साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अकेले कमान संभाले हुए हैं इस वक्त उपचुनाव में, लगातार प्रचार प्रसार पार्टी पक्ष में किया जा रहा है और आज मुरैना के दौरे पर हैं, क्या बड़ी बातें आज इस दौरे से निकलकर आ सकती हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में आज पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दौरा करने जा रहे हैं। सुमावली के बाक्षिणी चौराहे पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सेक्टर मंडलम और बूथ स्तर के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर कांग्रेस की तरफ से कमान सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाल रखी है और खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां पर कांग्रेस गद्दारी का मुद्दा जनता के बीच में उछाल रही है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ उम्मीदवार का नारा दे रही है, तो ऐसे में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग को सिंधिया का गढ़ माना जाता है और सिंधिया के समर्थक जो विधायक थे उन्होंने मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होना है। सुमावली की बात कर ली जाए तो सुमावली से एदल सिंह कंसाना बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पहले कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी का दामन थामने के बाद जब सरकार बनी तो सरकार ने उन्हें मंत्री भी बनाया। हालांकि आज उनके ही विभाग के अलग अलग कार्यक्रमों का लोकार्पण भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आचार संहिता लागू है ऐसे में वो अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी है। तो इन सब के बीच में ये बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि कमलनाथ ने अकेले ही कमान संभाल रखी है, कांग्रेस का और कोई बड़ा नेता विधानसभा क्षेत्रों जहां पर चुनाव होना है वहां पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो हैं वो लगातार समन्वय की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। फिलहाल कोई उनका ऐसा बड़ा राजनीतिक आयोजन जिसमें दिग्विजय सिंह शामिल हो ऐसा देखने में नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उपचुनाव परवान पर चलता जाएगा, फिर देखना होगा कि क्या कांग्रेस के और भी नेता कमलनाथ के साथ विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी का नवरात्र में कार्यक्रम तय हुआ है, 6 जिलों में रोड शो करने का कार्यक्रम है। सचिन पायलट को कांग्रेस बुलाना चाह रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता वहां है, सुमावली में भी बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस का प्रचार क्या, आगे की प्रचार की रणनीति क्या होगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। जानकारी जो मिल रही थी उसके मुताबिक तीन राज्यों के, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, इनके प्रचार करने की आने की जानकारी भी थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बिल्कुल, लेकिन अभी लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और उपचुनाव के लिए ये बहुत जरूरी भी है, इसलिए अकेले मैदान में डटे हुए हैं और आज मुरैना के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे। मैं लौटूंगी आशीष जी।